हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी नई शॉर्ट स्टोरी द कॉम्प्रोमाइज के बारे में, जिसको लिखा है विजयदन देथा ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन यह हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर पाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। बात कर लेते हैं हमारी शॉर्ट स्टोरी के बारे में। ओरिजिनली इसको राजस्थानी में लिखा गया था, जिसमें इसका टाइटल था राजीनावो। इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था श्याम माथुर ने। बात कर लेते हैं हमारे ऑथर या राइटर के बारे में। मैंने हमेशा से आपको समझाया है, अगर आप अपनी आंसर शीट में ऑथर या राइटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देते हैं तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे जो भी आपके के टीचर हैं उनको पता चलेगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज है इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी के बारे में। विजयदन देथा वॉज अ फेमस इंडियन राइटर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1926। ही हैड रोट मोर देन 800 शॉर्ट स्टोरीज। तो ये फेमस राजस्थानी लिटरेचर के राइटर थे। 1926 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अप्रोक्स 800 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं बापू के तीन हत्यारे, उषा, अंतराल। कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स जो इनको प्राप्त हुए थे, साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर राजस्थानी, भारतीय भाषा परिषद अवार्ड, पद्मश्री और राजस्थान रत्न। अब इस शॉर्ट स्टोरी के मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो इस शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है अश्करण। यही प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, कि कैसे हमारी स्टोरी बिगिन होती है। द कॉम्प्रोमाइज इज अ टेल ऑफ अ नॉर्मल यंग मैन स्टडिंग इन जोधपुर एंड लिविंग इन अ हॉस्टल। ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। ही हैड अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन अ मिरर। अब जो ये स्टोरी है वो एक पर्सन के बारे में है जो कि वैसे तो नॉर्मल है लेकिन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करता है और ज्यादा घुलता मिलता नहीं है इतनी जल्दी लोगों से। इसकी एक हैबिट होती है कि जो इसके रूम में एक मिरर होता है, ये उससे बात करता है और ये समझता है कि जो मिरर में पर्सन है वो अलग है और जो ये खुद है ये खुद अलग एंटिटी है। इस स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द मिरर इमेज एंड अस्करण। ये दो अलग लोग नहीं हैं, लेकिन इस स्टोरी में इसे ऐसे दिखाया गया है कि जो अस्करण असली में है वो अलग है और जो इसकी मिरर इमेज है, जो रिफ्लेक्शन है इसकी मिरर में, वो एक अलग पर्सन है। स्टार्ट करते हैं समरी से। द स्टोरी ओपन्स विद द नरेटर रिकॉलिंग हिज विजिट टू चरण हॉस्टल वेयर ही मेट अस्करण। His image in the mirror would talk to him as his moral guide. Whenever Askaran did a bad deed, the image warned him and condemned his act. The mirror image reminded him that his family was poor and their hope depended on his education. अब हमें क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे narrator है, वो एक बार जाते हैं चरण hostel में जहाँ पे उनको मिलता है अश्करण। अब वो अश्करण के बारे में बता रहे हैं, अश्करण की क्या आदत थी मैंने आपको बताया था मिरर में बात करने की, तो इसकी जो इमेज थी वो इसकी मॉरल गाइड थी। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। अश्करण जो है वो एक आदमी है जो कि थोड़ा सा करप्टेड है, जो कि अपने मॉरल्स को अपने आप से दूर रखना चाहता है, मतलब वो गलत चीज़ें करता है, और जो इसकी मिरर इमेज है उसको हम एज अ मॉरल गाइड देखेंगे, क्योंकि जब भी अस्करण कोई भी गलती करता है तो मिरर उसको समझाता है, उसे डांटता है और उसे ये भी कहता है कि तुम्हें ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक इंसान को जब भी वो कोई गलती करता है तो उसकी जो इनर सोल होती है वो उसे समझाती है कि हमें गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो मिरर रिफ्लेक्शन है उसे हम एज अ मॉरल गाइड ट्रीट करेंगे, एज इनर सोल ट्रीट करेंगे। ठीक है, अस्करण जब भी कोई भी गलत काम करता था तो जो मिरर इमेज है वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती थी और उसे समझाती थी
कि तुम्हारी एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत पुअर है और वो सब तुम्हारे ही ऊपर डिपेंडेंट है। अस्करन वॉज हेयर टू कंप्लीट हिज LLB, हाउ एवर ही फेल्ड इन क्वार्टरली एग्जामिनेशन एंड द इमेज वॉर्न्ड हिम टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब जो ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं पहले ये समझा देता हूँ, फिर ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अस्करन जो है वो LLB पढ़ने के लिए वहां पे हॉस्टल में रह रहा था, और जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं वो उसमें ऑलरेडी फेल हो चुका है एक बार। तो जो मिरर है वो उसे बार बार समझाता है कि तुम जो भी गलत काम करते हो उन्हें छोड़ के तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली कंप्लीटली डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर और तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। अब ये जो इंसिडेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो द कॉम्प्रोमाइज शॉर्ट स्टोरी को एज अ फोक टेल। तो उसमें ये इंसिडेंट आपको लिखना ही लिखना है, अगर आप ये इंसिडेंट अपने आंसर में मेंशन कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देर इज अ टच ऑफ फोक टेल, ठीक है। व्हेन अस्करन टू हिज सरप्राइज सॉ अ डोंकीज फेस इन द मिरर इंस्टेड ऑफ हिज फेस, देर वॉज नो डोंकी इन साइट व्हेन ही लुक बैक, द मिरर अगेन रिफ्लेक्ट हिज पिंपल फेस। फर्स्ट इंसिडेंट क्या था कि जब अस्करन को अपने फेस की जगह डोंकी का फेस दिखने लगा मिरर में, जब उसने फिर से देखा तो उसे फिर डोंकी का फेस नहीं दिखा और उसे अपना फिर से पिंपल से भरा हुआ फेस दिखा। ये पहली चीज है। सेकंड पे चलते हैं। इन द सेम मैनर व्हेन ही हैड केम ड्रंक द मिरर शोड हिम द फेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड देन हिज फेस विद हॉर्न्स, देन ही सॉ गोट्स हेड। इसका क्या मतलब है? सेकंड इंसिडेंट में क्या हुआ, जब वो ड्रिंक करके आए थे, शराब पी के आए थे, तो उसे क्या दिखा कि मिरर में कोई और खड़ा है, लेकिन फिर से उसने जब आंखें बंद करके खोली तो उसे दिखा कि वो फेस तो उसका ही है लेकिन उसके ऊपर हॉर्न उग गए हैं, और लास्ट में जब उसने फिर से आंख बंद करके खोली तो उसे ऐसा लगा कि वहां पे एक गोट का फेस लगा हुआ है। तो ये एक फनी एलिमेंट है, एक फोक टेल। इसको इस वे में प्रेजेंट किया गया है कि जो सीरियसनेस है वो तो स्टोरी की बनी रहेगी, लेकिन एक फन एलिमेंट इसमें डाल दिया है, और ऐसे ही जो पहले के राइटर्स थे वो ऐड कर देते फनी एलिमेंट्स अपनी स्टोरी में ताकि वो फोक टेल को इंटरेस्टिंग बना पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से इसे देख लेना और याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द इमेज ऑल्सो स्कोल्डेड हिम व्हेन ही लेफ्ट टू अ फिल्म शो, द इमेज रिमाइंडेड हिम दैट हिज फैमिली रिलाइड कंप्लीटली ऑन हिम, द मिरर ऑल्सो स्कोल्डेड हिम व्हेन ही चेस्ड आफ्टर गर्ल्स ड्यू टू रेगुलर इंटरफेरेंस बाय द मिरर इमेज इन हिज लाइफ, ही स्टार्टेड लुकिंग टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड हिज इमेज। अब क्या होता है, जब वो एक बार फिल्म शो देखने गया था तो भी जो मिरर है, मिरर इमेज है, उसने उसे बहुत ज्यादा डांटा था। उसके बाद जब वो लड़कियों के पीछे घूमता था तब भी जो मिरर इमेज है वो उसे बहुत ज्यादा डांटती थी। तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था जो अस्करन है वो, और उसने सोचा कि मैं अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिलेशनशिप है अस्करन का और उसकी मिरर इमेज का, वो खत्म कर देगा। अब देखते हैं वो कैसे खत्म करता है इसे। ही बिकेम सो अनइजी दैट ही ब्रोक द मिरर एंड थ्रू द ग्लास पीसेस अवे, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट ऑन द टू हैड मेड अ सॉलिड कॉम्प्रोमाइज। तो अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स। अस्करन ने क्या किया, जो उसके रूम में बड़ा सा मिरर था उसको तोड़ दिया और उसके जो पीसेस थे वो फेंक दिए। यहाँ पे जो ये वर्ड सॉलिड कॉम्प्रोमाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अस्करन है और जो मिरर इमेज है उनके बीच में जो राजीनामा था, जो इसका राजस्थानी टाइटल था, राजी नावो और हिंदी में राजीनामा, तो वो राजीनामा उनका खत्म हो गया, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, उन्होंने कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते क्योंकि जो मिरर इमेज थी वो रही नहीं, अब वो मिरर टूट चुका है। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी थी। अब एंड में जो नरेटर है उन्होंने एक और छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमें दिया है कि
कुछ सालों बाद अब अस्करन कैसा हो गया है तो वो हम देख लेते हैं। द शॉर्ट स्टोरी एंड्स विद अ कॉमेंट बाय द नरेटर हु टेल्स अस दैट अस्करन बिकेम अ पुलिस ऑफिसर बट द र्यूमर्स आर देयर दैट ही इज अ वेरी करप्ट पर्सन एंड ही हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी अनफेयरली। इसका मतलब क्या है कि जब ये शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है हमें नरेटर एक नोट के साथ छोड़ते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो अस्करन है वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा करप्ट है और जितना वो कमाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है क्योंकि वो अनफेयर मीन से कमाता है, मतलब वो करप्टेड है और वो गलत तरीकों से भी पैसे कमाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अस्करन है उसने शीशे को नहीं तोड़ा था, उसने अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी जो उसकी काइंडनेस थी उसको तोड़ा था और वो अब बिल्कुल करप्ट पर्सन बन चुका है। ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी की समरी। अब बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। तो करप्शन इसकी मेन थीम है। हमें पता चलता है कि कैसे लोग अपनी जो मॉरल वैल्यूज है उन्हें हटा के करप्शन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ग्रीड वर्सेस मॉरल्स, कैसे एक बंदा जो अस्करन है वो इतना ग्रीडी हो जाता है कि वो अपने मॉरल्स को कम्प्लीटली भूल जाता है और शीशे को ही तोड़ देता है, उन मॉरल्स को ही बुला देता है जो इसे एक अच्छा इंसान बना सकते थे। काइंड वर्सेस ईविल, ये भी सेम ही पॉइंट है कि जो काइंडनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है शीशे के टूटने के साथ और ये जो अस्करन है अब बहुत ज़्यादा ईविल हो गया। टाइटल द कॉम्प्रोमाइज जो है वो वेल जस्टिफाइड है। एज इन द स्टोरी वी कैन क्लियरली सी that how a human completely compromises with the inner voice and choose the path of evil and leave the moral lessons told by inner soul behind. It shows how Askaran have compromised with his soul to become a corrupt police officer who is involved in unethical activities. यहाँ पे मैंने clearly बता दिया है जो inner voice थी वो Askaran ने तोड़ दी mirror तोड़ के और जो उसके मॉरल लेसन्स थे जो मिरर इमेज देती थी वो सब उसने भुला दिया है और वो अब ईविल बन चुका है। अस्करन एक करप्ट ऑफिसर बन गया है और वो अनएथिकली बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। यहाँ पे हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि वो हालांकि पैसा कमा रहा है लेकिन लोगों के व्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा करप्ट है जिसकी वजह से उसकी एक अच्छी इमेज नहीं है सोसाइटी के अंदर। ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि पहले जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आए हुए हैं। कोई भी डाउट हो तो ये मेल आईडी है, इस पर आप मेल करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर दीजिए कोई भी डाउट हो तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।